नहीं तुम फोन लगा बोला मेरे को नहीं जानते रहे बोला फोन लगा बोलो बोलो फोन करना फोन नहीं उठा रहे एक एक फोन लगा तुम आज वार्ड नंबर बंगाली किराड़पुरे में 7 से 8 महीने हो गए। मुजीब भाई बोल के ठेकेदार है, उन्होंने काम लिए थे अरफात मस्जिद से रोशन मस्जिद होते हुए पटेल होटल तक। तो पिछले 4 महीने पहले काम चालू हुआ, 2 महीने काम उन्होंने अरफा अपने शक्कर आपा के घर से तो अरफात मस्जिद तक लाके 450 की लाइन डाले। उसके बाद में 2 महीने से काम बंद हो गया। रमजान का महीना आज 18वां रोजा चढ़ रहा, रोशन मस्जिद के पास में इतनी तकलीफ हो रही लोगों को, पूरा शरीफ कॉलोनी और किराड़पुरे का पानी रोशन, इन्होंने 2 दिन में अगर काम चालू नहीं करते तो यहाँ तो हम बैठे अभी कमिश्नर ऑफिस में बैठेंगे और वहाँ पे इनके खिलाफ में हम धरना देंगे। ये हम आप इनके सामने और आपके माध्यम से प्रशासन को बढ़े, और प्रशासन का भी काम है कि अगर जहाँ काम हो रहा नहीं हो रहा देखना दिखाना, अपने आदमी को भेजना, हुट पे से बकरे हकालना प्रशासन का काम नहीं है। उससे भी पूरा गंदा डेनिस का पानी आता, पूरा बच्चे बीमार हो जा रहे और आधी गली को तो पानी नहीं आता। रोजे में रमजान में उठा उठा के और तो पानी भर रहे, बीमार हो जा रहे, तो ये कब तक चलेंगे? इसके पहले हम कारपोरेशन लेके आए थे वहाँ पानी लाने, हम इतने जने घड़ी घड़ी क्यों आ रहे, तकलीफ है बोल के आ रहे, हम तकलीफ है साहब, लोग बोलते हैं कि घड़ी घड़ी आ रहे, ड्रेनेज की परेशानी है, नल की परेशानी है, ऊपर पानी नहीं चढ़ता हमारी गली में, ड्रेनेज का पानी लाते हम 2 साल से फैट से पानी भर रहे, हमको पानी नहीं है। आप हम यहाँ जो है ये छोटा आंदोलन है, हम इससे बड़ा आंदोलन पूरे किराड़पुरे को लाके बिठा देंगे। भोई साहब आपको और प्रशासन को खुले लफ्जों में बोल रहा हूँ कि एडिशनल चार्ज सिर्फ 6 महीने से ऊपर दे नहीं सकते कानूनी तरीके से। एडिशनल चार्ज अतिरिक्त पदभार जो होता है, कानून ऐसा है कारपोरेशन का मुंबई प्रांतीय का कि 6 महीने से ज्यादा दे नहीं सकते। सालों गिनती चार चार चार्ज देकर रख रहे, कितना काम करेंगे, आदमी करेंगे तो कितना करेंगे। भोई साहब के खिलाफ में धरना है यहाँ पे हमारा, जो रोशन मस्जिद के पास का पानी बहरा, रमजान आ रहे फिर भी उनको ये नहीं होश नहीं आ रहा। असल में क्या है, ये मुस्लिम इलाका होने के नाते यहाँ पे किसी का काम करने की मंशा नहीं है। कई मरता हुआ बार बार बोलने के बाद में कि गंदा पानी आ रहा है ड्रेनेज का, और नल में पानी मिल के आ रहा, रोड पे पानी बह रहा, रमजान का महीना चालू है, गंदे पैर लेके लोग मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता मुजीब भाई, मैं आपको मेरा तुम्हारा कोई ये भी नहीं, मैंने आपको बार बार बोलने के बाद में भी आप नहीं कर रहे। मैं यहाँ बैठे हुआ है कारपोरेशन के गेट के सामने जोन नंबर 3 के, अब इनको जब समझ में आएगा जब इन्हों काम करेंगे। मैं मेरे लोगों को यहाँ लाके बिठाया हुआ है, एक रहा कि रमजान का जो महीना है रमजान भी नहीं समझ रहे आप लोगों को, और कुछ नहीं मुजीब भाई, 10 बार बोलने के बाद में भी आपको नहीं समझ हो रहे और आप बात कर रहे हैं। नहीं ठीक है चलो कोई हरकत नहीं, तुम्हारा आके जाने का चक्कर मारने का नहीं, नहीं मेरा कुछ नहीं, आप जाने और आपका ये करो भाई साहब। अरे जोन नंबर 3 के लोग पूरे अपनी मनमानी कर रहे, मनमानी से काम कर रहे यहाँ के लोग जोन नंबर 3 के, क्योंकि जोन नंबर 3 में इंसान नहीं रहते क्या, क्या जानवर रहते यहाँ पे कोई? सलमान और यूनुस का भी कोई काम में ध्यान नहीं इधर वार्ड में। हाँ नहीं मैं यहाँ बैठे हुआ है, यहाँ मीडिया बैठी हुई है, सब सारे लोग खड़े हुए हैं। हाँ फोन बंद कर दिया। नहीं नहीं वो सब बताया हुआ सर। अरे इंजीनियर है ना सलमान, को कोई ऐसा प्राइवेट आदमी है क्या, उसको समझ रहा नहीं क्या कुछ, क्या भाई साहब को समझ रहा नहीं? ठीक है चलो देखो तो करो तुम्हारे हिसाब से। ठेकेदार के फोन आ रहे आप तो यहाँ बैठने के बाद में, क्या मैं काम चालू करा था करके अभी तक कहाँ चले गए थे ठेकेदार? कमिश्नर साहब आप देखिए जोन नंबर 3 के हाल क्या आए करके, जोन नंबर 3 के पूरे लोगों को तुमने ऐसा इसमें डाल दिए। अरफात मस्जिद तक लाए, 2 महीने से काम बंद है, रोशन मस्जिद का एरिया का पानी पूरा गंदा पानी भरा, 3 मस्जिद का काम कर रहा, बार बार वर्कआउट होने के बाद में तुम ठेकेदार को काम नहीं करा के ले रहे, तुम्हारा कोई जवाई है क्या? वो ठेकेदार वो नहीं तुम्हारे रिश्तेदार है, काम क्यों नहीं करा के ले रहे तुम लोग? जब तक नहीं हम नहीं जानते रहे किसको, आप तो मेन आदमी है यहाँ के साथ, आप तो नहीं बोले किसको सर, आप नहीं तो तुम रुको जाओ 5 मिनट रुको सब हमारे नहीं तुम फोन लगा बोला मेरे को नहीं जानते रहे बोला फोन लगा बोलो बोलो फोन करना फोन नहीं उठा रहे एक एक फोन लगा तुम राम मंदिर का सब पावर साहब को रहे मलबा के वो एक भाई।
आपको आठ दिन पहले मैं अभी हम सुन लीजिए दो मिनट सुन लीजिए। हाँ। आपने बोले मैं आठ दिन में दूसरे दिन काम चालू हो रहा। हाँ। आपने मुझे भाई को बोले मुझे पहले बोले दूसरे दिन काम चालू हो रहा। आज आठ दिन हो गए लगा फड़ा भी वहाँ पे बराबर कोई बात नहीं। अगर हमारे तरफ से कोई अभी, 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 अभी मुझे बताइए सर अभी अपन साइड पे चल जाएंगे। अच्छा कहाँ से कहाँ लाइन डालने मुझे बता दीजिए। तीन दिन में अगर काम नहीं हुआ तो उसको मैं ब्लैक लिस्ट कर दूंगा। उसको ब्लैक लिस्ट तो बात सही है वो तो होगा पर आज जो लोगों को तकलीफ हो रही है लोग फेसबुक पे डाल रहे हैं लोग गालियां दे रहे हैं हमारे को। हमने आज से आठ साल हो गए हमने अभी कभी आपको पलटा के जवाब दिए कभी हमने आपको कभी कुछ दो रुपए तकलीफ दी है। सर अपन सब बराबर है आपका कोई प्रॉब्लम नहीं सर। फिर मेरे मैं जब तुमको तकलीफ दे रहा साहब तो मुझे तकलीफ के अंदर काम शुरू नहीं हुआ तो ये बात तुम आठ दिन पहले बोल सकते महीना भर पहले बोल सकते तूने तीन दिन में चालू नहीं करा। उसको चालू भी करने वाला था सर क्यों नहीं हुआ चालू सुनिए ना तो मैंने जो बोला था उसको जो आराफत मस्जिद से जो कंटिन्यू आ रहा उसको कंटिन्यू करने वाला तेरी क्वांटिटी खत्म कर दे। आपने बोले नहीं नहीं डालना बोले आपने मेरा आपने बोले यहाँ पे लाइन नहीं डालना बोले नहीं लाइन बोले तो तुमको 800 मीटर की हमने लाइन की बात है तो आप चलो बात चलो अभी आप साइड पे चलिए कहाँ पे लाइन डालना मुझे बता दीजिए। तीन के अंदर रोशन मस्जिद का जो मसला है अपन साइड पे चलिए रोशन मस्जिद का जो मसला है वहाँ पे अभी सॉल्व होना और वो कहीं से डालो तुम लाइन हमको वहाँ का सॉल्व होना मसला जो वैसा बने भाई जो एस्टीमेट जैसा बने कल के कल अगर काम चालू नक्शे में मार के वहाँ काम करो क्वांटिटी जा खत्म होंगी उसके आगे तुम्हारी ये चंपा चौक से नूरानी मस्जिद के पास का पैसा बहुत दिन से सर आज चालू हो रहा हूँ आज 90% चालू हो रहा आज ये दिन में करेंगे नहीं तो रात में करेंगे दिन से बोले साहब हम आज करेंगे ना वाला डामर आगे डामर साहब ऐसा कौन सा नहीं करेंगे तो रात नहीं करेंगे बात होगी से वालों ले रहा मैं मुझे भी फिक्र है सर उसकी पैसा दी कितने से वालों ले रहे मैं क्या बोल रहा हूँ आज दिन में होगा नहीं तो रात में हो जाएगा वो रोशन के रोशन मस्जिद का जो रोल है ये हमारे वहाँ के ये पूरे नागरिक है वहाँ पे मैं होगा परेशान अपन आखिरी में आप देखो अभी अपन मैंने साइड पे चलेंगे सर अपन आप बता दीजिए मुझे सर कब चालू होगा काम अगर कल चालू नहीं होगा कल एक मिनट चालू होगा तीन दिन के नहीं बोल रहा मैं कल ही बोल रहा कल काम चालू होगा कल चालू नहीं हुआ तो उसको मैं ब्लैक लिस्ट करूंगा। क्या कर रहा है गड्ढा मार रहा और छोड़ दे रहा तीन महीने काम करना खड़े करूंगा कुछ पीछे वो भी नहीं आते वहाँ देखते ही पलट के सलमान और यूसुफ सर वालों के 1000 लोग नमाज पढ़ते हैं अरब मस्जिद है दोनों भी मस्जिद है अभी मुझे चार बार अपने उनको साइड बताए दो बार तुम्हारे इंजीनियर को आगे बताया वो बोले सुबह चालू करता सुबह करता अभी आखिरी मौका है सर तीन दिन के अंदर काम चालू नहीं करा उसने तुम उसको ब्लैक लिस्ट के लिए 101% और दूसरा काम शुरू करवा सब अर्थात तुम कहते छोड़ दिया गली में उठाने का भर्ती छोड़ने का नहीं क्या कर रहे काम कर रहे भर्ती छोड़ दे भर्ती को उठाएंगे अभी आपके आपके जबान पे हम उठ रहे आपने बोल रहे हैं कल से मैं काम चालू मेरी जिम्मेदारी 100% मेरी जिम्मेदारी आज वार्ड नंबर 42 किराड़पुरे में सात से आठ महीने हो गए मुजीब भाई बोल के ठेकेदार है उन्होंने काम लिए थे अरफात मस्जिद से रोशन मस्जिद होते हुए पटेल होटल तक तो पिछले चार महीने पहले काम चालू हुआ दो महीने काम उन्होंने अरफा अपने शक्कर आपा के घर से तो अरफात मस्जिद तक लाके 450 की लाइन डाले उसके बाद में दो महीने से काम बंद हो गया। रमजान का महीना आज 18वां रोजा चढ़ रहा रोशन मस्जिद के पास में इतनी तकलीफ हो रही लोगों को पूरा शरीफ कॉलोनी और किराड़पुरे का पानी रोशन मस्जिद होते हुए नीचे अरफात मस्जिद तक जाता बार बार उनको बोलने के बाद में ठेकेदार को बात करने के बाद में बॉय साहब को बोलने के बाद में उनके अधिकारी भी वहाँ आ रहे और वो ठेकेदार काम नहीं ले रहा था मजबूरी में आज हमको यहाँ पे आके धरना देना पड़ा। अब भोई साहब आए भोई साहब ने हमको अभी आश्वासन दिए कि भाई मैं कल के कल उनका काम चालू करा रहा अगर कल काम चालू नहीं हुआ तो तीन दिन में मैं उसको ब्लैक लिस्ट डाल रहा इनके जबान पे इनके बोलने पे हम लोग पूरे नगर सेवक यहाँ से उठ के अभी और स्पॉट पे जा रहे देख के आ रहे। और दूसरी बात जो चंपा चौक से आगे का जो चिलीपुरे का जो पैचवर है नूरानी मस्जिद तक तो साहब ने बोले कि वो भी काम आज में नहीं तो रात में वो चालू हो जाएगा। रोशन फंक्शन अपने पटेल होटल से
तो रोशन गेट का जो पिछका पैचवार है वो भी इंशाल्लाह वो होने के बाद में ये काम इन्हों करा के अपनों को दे देंगे। इनका ये आश्वासन अपनों को मिला और अभी इनके साथ में हम साइड पे जा रहे, अगर इन्होंने दो दिन में अगर काम चालू नहीं करते तो यहाँ तो हम बैठे अभी कमिश्नर ऑफिस में बैठेंगे और वहाँ पे इनके खिलाफ में हम धरना देंगे। ये हम आप इनके इनके सामने और आपके माध्यम से प्रशासन को बढ़े और प्रशासन का भी काम है कि अगर जहाँ काम हो रहा नहीं हो रहा देखना दिखाना, अपने आदमी को भेजना, हुटपे से बकरे निकालना प्रशासन का काम नहीं है। ये एक आदमी है यहाँ पे, इनके तरफ 10 जवाबदारी दी हुई है। ये हम ये भी इंसानी हम इनके तारीफदारी नहीं कर रहे पर ये भी इंसानी है, इनका भी प्रशासन का काम है कि एक आदमी को कितनी जवाबदारी देना चाहिए। एक एक आदमी का काम है, एक ही आदमी करना चाहिए। तुम 10-10 काम दे रहे, काम होता नहीं हो, ये अधूरा काम हुआ, अधूरा काम हुआ, पूरा शहर ऐसे ही पड़े हुए हैं। और इन्होंने खास तौर से जानबूझ के, मेरे को ऐसा लगता महानगर पालिका के मुख्य जो अधिकारी है उन्होंने जोन नंबर 3 को टारगेट बनाए हुए कि ये एरिया मुस्लिम बहुल इलाका है, इसमें ना अधिकारी दो ना इनमें कोई करो, और जो अधिकारी उनके पास में 10-10 अहदे दे दो ताकि वो इधर करे वो उधर करे और काम मूल सुविधा का काम ना हो करके। दरअसल बात ये कि जोन नंबर 3 के अंदर बहुत सारे कामों की सख्त जरूरत है और जो काम पेंडिंग में पड़े हुए कॉन्ट्रैक्टरों ने काम ले चुके वर्क ऑर्डर होने के बाद में भी जमीन पे काम नहीं कर रहे तो मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही कि कॉन्ट्रैक्टर कौन से नशे में जिंदा है। 7 दिन के अंदर एजेंसी फिक्सिंग होने के बाद अगर काम नहीं करता तो आपका काम इमीडिएट ब्लैक लिस्ट फाइल चला देना, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को बिल्कुल उठा के डालो। अगर तुम काम नहीं कर रहे, तुम्हारे पास यंत्र नहीं है, पैसे नहीं, तो काम ले रहेगा कोई नाफिस काम चलने वाला नहीं है, गलत क्वालिटी में काम चलने वाला बिल्कुल नहीं है। और सबसे पहली बात कॉन्ट्रैक्टर के दिमाग में साहब एक बात घुस गई, उनको ये लग रहा है कि आज कारपेंटर की बॉडी नहीं है, वो जैसा चाहे वैसा जमीन पे काम कर लेंगे और जैसा चाहे वैसा बिल बना के ले लेंगे। ऐसा भी हम होने देने वाले बिल्कुल नहीं है और ना ऐसा होने वाला है। अब पैचवर का काम निकला हुआ है जिसकी बहुत जरूरत है, जिसके अंदर पटेल होटल के पास से लेके चंपा चौक से लेके तो नूरानी मस्जिद, नूरानी मस्जिद से चेलीपुरा, बहुत अर्जेंट में इस काम की जरूरत है, तो इस काम की जरूरत है और वो काम अभी बहुत जल्द शुरू होने वाला है, ऐसा आश्वासन इन्होंने हमको दिए। और इनके भोले साहब के आश्वासन बिल्कुल सही बात, जैसे अभी यहाँ पर हाजी साहब ने कहा कि इनके तरफ बहुत चार्जेस दिए, मैं शहर वासियों को, भोले साहब आपको और प्रशासन को खुले लफ्जों में बोल रहा हूँ कि एडिशनल चार्ज सिर्फ 6 महीने से ऊपर दे नहीं सकते कानूनी तरीके से। एडिशनल चार्ज अतिरिक्त पदभार जो होता है, कानून ऐसा है कारपोरेशन का मुंबई प्रांतीय का कि 6 महीने से ज्यादा दे नहीं सकते। सालों के इनकी चार चार चार्ज देकर रख रहे, कितना काम करेंगे, आदमी करेंगे तो कितना करेंगे। तो माननीय आयुक्त साहब अभिजीत चौधरी साहब जरा कानून के पन्नों को पलटाओ और 6 महीने के ऊपर अतिरिक्त प्रभार किसी को दे नहीं सकते। और अगर इसके ऊपर अगर ये कारोबार चल रहा है तो आप पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में विफल है, आप नाकाम है, आप निकम्मे है कि आप कानून से हटके एक नया काम चला रहे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज सिर्फ 6 महीने का दे सकते, इससे ज्यादा दे नहीं सकते। इनको अपना नियोजन करना पड़ेगा, अपने ऑफिसर क्रिएट करना पड़ेगा और जहाँ जहाँ जरूरत ऑफिसरों को लगाना पड़ेगा। चार चार चार्ज दे के रखे वही साहब के पास, क्या क्या काम करेंगे, ना यहाँ टाइम दे पा रहे, ना वहाँ टाइम दे पा रहे, ना कहीं टाइम पे दे पा रहे। इसलिए हमारी ये डिमांड है कि भाई साहब को फुल टाइम यहाँ दिया जाए और पदभार ये अतिरिक्त चार्ज जितनों के पास भी है 6 महीने ज्यादा जितनों के पास सबका निकाला जाए। सर अब हम अधिकारियों को आके हर बार बोलते हैं, अधिकारी कॉन्ट्रेक्टर को बोलते हैं, इसमें कहीं ना कहीं कॉन्ट्रेक्टर की काहली है कि वो काम स्लो कर रहे और कर रहे भी तो बराबर नहीं कर रहे और एकदम जो काम कर रहे अधूरा छोड़ दे, काम इधर करना चाहिए, काम करे उन्होंने पूरा करना चाहिए। क्या मसला कम से कम 3 चीजों का है, क्या क्या मसला मैं बताता, पानी का, पानी मिल रहा नहीं इनको, कम से कम 2 साल से पानी नहीं मिल रहा, मैंने प्रशासन को 10 बार लेटर दिया, इन्होंने खुद मेरी भाई बहन भाजी कारपोरेशन में आके वहाँ पे देखे गए, वहाँ पे फिर भी नहीं हुआ। उसके बाद में डेनिस का प्रॉब्लम है, डेनिस का भी अभी उन्होंने काम चालू कराया तो भी अधूरा काम चालू करा, उनके घर में डेनिस का पानी है, आप उनसे खुद बात करके ले सकते हैं। और कम से कम ये 2 साल से हम परेशान है, 9 दिन में पानी मिलता, 8 दिन में आया था, अभी ये 2 महीने से 9 दिन में शुरू कर दी, उससे भी पूरा गंदा डेनिस का पानी आता, पूरा बच्चे बीमार हो जा रहे और आधी गली को तो पानी नहीं आता, रोजे में रमजान में उठा उठा के और पानी भर रहे, बीमार हो जा रहे, तो ये कब तक चलेंगे। इसके पहले हम कारपोरेशन लेके आए थे, बड़े कारपोरेशन में पहुंचे थे, वहाँ पर भी सिर्फ बात हुई थी मगर कुछ काम हो रहा नहीं, और फिर बोले बार बार आ रहे थे, जब हमारा मसला हल नहीं होगा तो हम तो 10 बार आएंगे, फिर ही आएंगे, बार बार आ रहे तो हमारा मसला हल होने को आ रही है। रमजान का महीना आगे मई का महीना है, तो कब तक बर्दाश्त करेंगे, गंदा पानी पी के बच्चे बीमार हो जा रहे हैं, आप गरीब नवाज दवाखाने में जाके देखो बच्चे कितने बीमार है, तो ये ऐसा नहीं चलने वाला है ना, हमको पानी होना और हमको 4 दिन में पानी होना। इतने जने घड़ी घड़ी क्यों आ रहे, तकलीफ है बोल के आ रहे, हम
तकलीफ है साहब। लोग बोलते हैं कि घड़ी घड़ी आ रहे, ड्रेनेज की परेशानी है, नल की परेशानी है, कितनी बार रिक्शे में पैसे डालना है, हमें आना, ड्रेनेज लाइन भी, ड्रेनेज लाइन भी खराब हो गई सर, ऊपर से पानी बह रहा है ड्रेनेज में, घरों में पानी आ रहा है, रोजे का रमजान का, कब तक तकलीफ उठाना हमने। हमारे नालम का चंबर का पानी आ रहा है, कोई बात की सुनवाई है हमारी गली की? दो साल तीन साल से हमारी गली में पानी नहीं आता, ऊपर पानी नहीं चढ़ता हमारी गली में, ड्रेनेज का किचन पर पानी आ रहा हमारे डेनिस का, पानी लाते हम दो साल से बाहर से पानी भर रहे, हमको पानी नहीं है, नल है पर आता ही नहीं पानी, और चंबर का पूरा घर में पानी आता है, चौकअप है और वो काम कुछ हो रहा नहीं, और हमारे जो ऊपर से जो पानी बह रहा है तो वहाँ गेस्टों में एक बच्ची है जो हमारे पड़ोसी में वो गाड़ी में एडमिट पड़ी हुई है, उसकी जिम्मेदार कौन है? अभी हर कोई बीमार पड़ेंगे तो उसके जिम्मेदार कौन है? तो मेरा ये बोलना है कि अभी जैसा डेंगी लाइन का जो काम हो रहा है तो कंक्रीट भी उसका होना चाहिए, नहीं तो वो फतरे वतरे वो बड़े बुड्ढे गिरेंगे, बच्चे गिरेंगे, तो वो तमाशा नहीं होना बाद में। तो जो गलियों के जो खुदाई काम करके जो अभी सफाई करके पाइप डाले तो उसका रोड का भी काम होना चाहिए, नहीं तो हम यहाँ जो है ये छोटा आंदोलन है, हम इससे बड़ा आंदोलन पूरे किरारपुरे को लाके बिठा देंगे, इस वार्ड को पूरा लाके बिठा देंगे। और पानी का बहुत बड़ा मसला है हमारा, पीने का पानी हमको मिलता ही नहीं, अंडे हमारे मामा बहना जो है तो इतने दूर दूर जाते, वो पुलकंग जाते हैं बम्बे खाने, बम्बा रोड पे से पानी लेके आते, तो फोन इसका मसला हल करेगा? तो ये मसला हमारा हल होना चाहिए। आंदोलन कब करेंगे आप? आंदोलन हमारा जब कभी काम नहीं होगा तो हम कभी भी आके आंदोलन कर रहे हैं, हम हेड ऑफिस जो ललका है वहाँ पे भी आंदोलन करेंगे, और हमारा जो चंबर लाइन डेनिज रोड का जो लाइन है तो हम कार्पोरेशन में यहाँ पे हम आंदोलन करेंगे, वो मामला खत्म हो जाए। इंशाल्लाह कल स्टार्ट कर देंगे काम, अपन करने वाले अभी वो फाइनल करके ले रहे हैं, अभी डिप्टी इंजीनियर साहब और हमारे नगर सेवक साहब दोनों है, अभी फाइनल करके कल स्टार्ट कर लिया, 13 लाख का काम। और एंडिंग डेट क्या है? एंडिंग डेट अप्रैल में है, अप्रैल में खत्म हो जाए। महानगर पालिका की कॉन्ट्रैक्ट देखने में आ रहे थे पार्टी के पास पहुंचे और आप सही टाइम से शुरू नहीं कर रहे, क्या बात है? काम तो हो गया, वो जितना था वो तो काम हो गया, असल में थोड़ा सा साइड इशू चल रहा, क्या काम करना है? ये आप ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेने की वजह से आप पहले काम नहीं दे पा रहे? नहीं, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, असल में फाइनल नहीं हो रहा साइड, इसलिए हो रहा नहीं, हो बाकी हो जाएगा तो प्रॉब्लम। अभी हमने देखा आपने जो दरवाजे का जो काम शुरू किया था अभी खत्म हो गया, फाइनल हो, लेकिन उसमें अभी दरारें शुरू हो गई, वो आता है वो हीट हीट जो रहती ना कॉन्क्रीट में, वो उसमें आता है, हो जाता है। कितने लाख का काम था वो देखना पड़ेगा, एस्टिमेट 30 लाख का काम था। हाँ, और अभी पूरा फाइनल होकर एक साल भी नहीं होगा, नहीं काम किया क्या? नहीं नहीं, कोई डुप्लीकेट नहीं है, फाइनल काम हो रहा है। आपका नाम? आपका नाम और मुझे आदि कर देना।